You are watching Prime Sports TV. जी तो प्राइम स्पोर्ट्स के व्यूअर्स, हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ फिर इस वक्त मौजूद हैं बहुत बड़ी शख्सियत, रावलपिंडी रीजन के हेड कोच, पाकिस्तान की कोचिंग भी कर चुके हैं सभी भाई मौजूद हैं। तो सभी भाई से वही से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से टूटा था। तो सर आप कह रहे थे कि जैसे मेरा सवाल था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो बोर्ड ने भी यकीनन आपको सपोर्ट किया, तो मतलब क्या समझते हैं इदारे की सपोर्ट तो बहरहाल जरूरी है। तो जब आपकी रिटायरमेंट हुई उस वक्त आपको बोर्ड से कोई सपोर्ट मिली या आपको बोर्ड के मतलब क्या समझते हैं कि बोर्ड ने आपके साथ ज्यादती की? कुछ दो तीन साल रहते थे उससे पहले। जी बिल्कुल शाह जी, रिटायरमेंट तो खैर नहीं हुई, आप ये कह सकते हैं कि मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया गया और मतलब मेरी परफॉर्मेंसेस जो थी उसी साल अप्रैल में मैं पाकिस्तान का जो मेजर टूर्नामेंट है उसका चैंपियन हुआ, रावलपिंडी गया, आपने खुद देखा अप्रैल में, उसी साल अप्रैल में मैं जो कोचिज की वैल्यूएशन हुई उसमें मैं नंबर वन आया और जून में मैं मुझे उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, योर सर्विस इज नो मोर रिक्वायर्ड। तो जाहिर है कि ये बड़ा शॉकिंग सा था, मेरे भी तीन साल रहते थे एज वाइज कहने, तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मतलब कि इतना अरसा लंबा पीरियड बोर्ड को सर्व करने के बाद तो मुझे इस तरह जो है ना बिल्कुल, और नॉट मैं, मेरे साथ दो कोचेज और थे और फिर उन्होंने बाद में भी दो तीन वो कोचेज निकाल दिए कि जो के परफॉर्मेंस दे रहे थे। देखे ना, कोई जवाब तो होना चाहिए ना निकालने का, क्या मैंने कोई करप्शन किया है, क्या मैं अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट नहीं था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने अपील में मैं गया तो जस्टिस साहब थे वो वहां पे, जब मेरी हेयरिंग हुई तो उन्होंने बल्कि पूछा जो बोर्ड की तरफ से वकील पेश हुए कि इनके ऊपर क्या एलिगेशन है, तो उसने वकील ने बल्कि ये जवाब दिया कि नहीं जी इसके उनके ऊपर एलिगेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जो एक लॉ मास्टर एंड सर्वेंट लॉ है वो हमें परमिट करता है कि हमारी मर्जी है कि हम रखें या ना रखें। तो ये एक शायद बस आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी जो उन्होंने की है, अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस पे जाए मेरी और मेरी क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस पे जाए किसी चीज पे जाए तो कोई जवाब नहीं बनता था। और फिर मेरे बाद या अभी जब उन्होंने नए कोचेज की हायरिंग की है तो कोई उसमें पॉलिसी नहीं है, कोई उसमें कोई सेट मेरिट नहीं है, बस उन्होंने किसी ने लेवल वन किया है या नहीं किया है, कोई किसी का दोस्त है, वो किसी का भाई है, तो वो इस तरह की जो है ना, अगर ये काम करना था तो फिर हमारे ऊपर इतने सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेवल फोर तक हम गए, मेरे साथ जो तैमूर जिसको निकाला वो लेवल फोर, वो भी लेवल फोर, फिर रियाज अकबर लेवल थ्री, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोचिंग क्वालिफिकेशन, कोचिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कोई जो है ना वो मेयार नहीं है, बस जिस जो मर्जी है जिसको रख लिया है, कोई नाम अगर बड़ा है वो रख लिया है, अदरवाइज दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। जहां पे भी आप जाएं, मतलब दुनिया के जो नेशनल टीमों के कोचेज उठा लें, उनकी जो डोमेस्टिक के कोचेज उठा लें, सारे पहली जो चीज है वो ये मांगती है कि जी आपकी कोचिंग क्वालिटी, ये नहीं पूछते हैं कि आप कितने टेस्ट मैच खेले, अगर कोचिंग की जॉब है तो सबसे पहले पूछेंगे आपने कितने को आपकी कोचिंग क्वालिफिकेशन क्या है और आपका कितने साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कोचिंग का। सही, अच्छा सही आपने कहा, यानी आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, उसकी तो जाहिर बात है वजूहत होंगी, तो यही चीजें जिंदगी में याद रहती है कि कोई इदारा सपोर्ट करता है तो वो उसकी सपोर्ट भी याद रहती है, और अगर इदारा किसी के साथ ज्यादती करता है तो जिंदगी भर वही रहता है। इख्तियार तो बहरहाल इदारों को होते हैं, इदारे के पास ही इख्तियार किसी को रखे या ना रखे, उन्होंने आइन वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो तो चीज यकीनन याद रहेगी। पहले भी आपने एक मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि कोचिंग अब इस तरह होगी है कि अब टेस्ट प्लेयर उन्होंने या पाकिस्तान खेलने वाला वही कोच लगा रहे हैं, मतलब अभी जो चल रहा है दो साल से डोमेस्टिक सीजन उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आप पे वो एसओपी लागू नहीं होती, वो कवरी जमानबंदी वाले, क्योंकि अब मुलाजम नहीं है आप बोर्ड के, तो मतलब आप ये जो चेंज हुआ
बोर्ड चैन हुआ उसकी वजह से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई ना, या वैसे पहले से कोई चल रहा था आपका बोर्ड के साथ? नहीं नहीं नहीं, ये तो जब बोर्ड चेंज हुआ है, नया बोर्ड आया तो नया चेयरमैन है, नया जो सीईओ आया, तो ये उनकी पसंद और नापसंद पे था। पसंद और नापसंद, तो बाकी जो है ना, मतलब है कोई पहले से कुछ भी नहीं। तो आपको बता रहा हूँ कि इवन उस वक्त जो हमारे डायरेक्टर मुदस्सर नजर साहब, सीनियर जीएम है, मतलब हमारे जो जिस जो हमारे इमीडिएट जो है ना वो बॉस कह लेंगे हमारे, जिनको हम इमीडिएट रिपोर्टिंग थी, उनको भी नहीं पता था सही है कि ये बात होगी, वाकया हो गया। तो वो उन्होंने फिर अचानक ही जो है ना वो चेयरमैन साहब ने और इन्होंने मिलकर जो अपनी डिस्कशन के ऊपर ये हमारे साथ जो है ना वो कर दिए। यानी आप कहने का मतलब ये है कि आपके बॉस को भी इल्म नहीं था, ये जो ऊपर ट्रायका आया बोर्ड के अंदर, मतलब सीईओ या चेयरमैन साहब या उनकी स्वागत पे, ये जाकिर खान साहब आ गए, तो उनकी स्वागत पे, उनकी गाइडलाइन पे ये नीचे लोगों को मतलब इस तरह से बोर्ड से निकाला गया। अब बोर्ड से निकाल के अभी आप समझते हैं कि चेयरमैन साहब की ये पॉलिसियां पाकिस्तान को फायदा दे रही हैं या दिया, ये दो सालों में जब वो उनको आते हुए दो साल तो हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि उससे कुछ फायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को? चले पर्सन बात नहीं करते, किसी को निकाल दिया ठीक है, निकाल दिया तो अगर मुल्क का फायदा है तो ठीक है, तो आप क्या समझते हैं? देखिए शाहजी, देखिये पहले जो आप बात कर रहे थे कि जुबान बंदी वाली बात है, तो जुबान बंदी तो मेरी नहीं है, मैं तो फ्रीली बोल सकता हूँ। सही, लेकिन इवन दो मैंने, मुझे अब साल से ऊपर हो गया, तकरीबन डेढ़ साल हो गया, लेकिन मैंने कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर। मैंने कोई अलग, बहुत ज्यादा मेरे पे मीडिया प्रेशर था कि आप आए हमारे से प्रोग्राम करें बोले, लेकिन मैंने इतना अरसा जिस अदारे के लिए काम किया तो मैं नहीं समझता था कि मैं उसके लिए जो है ना अब उसको बुरा भला। सही, जाहिर है कि अब जो जो तीन चार लोग हैं जो इस वक्त सारे मुल्क की क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं, ये उनकी वजह से है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी भी बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है, अभी भी जो है ना वो सारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अब दो तीन की वजह से पूरा अदारा बुरा नहीं है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को आप जो कह रहे हैं, अगर ओवरऑल मैं अपनी बात नहीं करूंगा कि ठीक है मुझे तो जो नुकसान होना था वो, लेकिन इस वक्त एक सीजन पिछला गुजर चुका है और एक सीजन अब स्टार्ट हो गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो अगर आप पूरी, मैं भी 20-25 मतलब 20 साल प्लेइंग के लगा लें तो मुझे तकरीबन 40 साल तो हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए एज ए प्लेयर, फिर 20 साल हो गए एज ए कोच। इतना वर्स जो है ना मैंने कभी नहीं पाकिस्तान की डोमेस्टिक को देखा जितना इस दफा हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। देखिये क्रिकेट बोर्ड की जो पहला काम है, जो उनके आइन में लिखा होता है, वो कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट में क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिकेट खिलाएं, ये डेवलपमेंट है, या आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिकेट से बाहर कर रहे हैं, ये नहीं है। अब क्या हुआ है, जहां पे 60 लड़का खेलता था अब वो कहते नहीं 20 खेलेगा। सही है, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ नॉर्दर्न की टीम है, सही है, उसमें पिंडी रीजन खेलता था उसके 20 लड़के खेलते थे, उसमें इस्लामाबाद रीजन था, एजे के रीजन था, अब वो 60 को मर्ज करके उन्होंने एक टीम बना दी। सही, तो किसका नुकसान हुआ? प्लेयर्स का नुकसान हुआ, क्रिकेट का नुकसान। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए किसी प्लेयर के लिए जो नया खेलने वाला वो कैसे आएगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी तक इतना बड़ा ये फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कोई अभी तक जो है ना वो ऐसा सेटअप नहीं बना सके है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन हो। पिछली सिलेक्शन जो हुई है वो पिछली परफॉर्मेंस पे हुई, इस साल जो हुई है वो पता नहीं किस तरह सिलेक्शन हुई है, और इसी तरह अंडर-19 के ट्रायल करने पड़े, पहले 45 लड़के, फिर शोर मचा तो कुछ ज्यादा लड़के बुला लिए, ओपन कर दिए, लेकिन किसी भी दुनिया की क्रिकेट में ट्रायल्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं होती है। सही, मेन टीमों के लिए ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट की टीम के तो ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी अगर प्रॉपर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड गाना वो ट्रायल्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो नुकसान किसका हो रहा है? अच्छा जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि जी 6 टीमें फर्स्ट क्लास खेले, अल्लाह के बंदे फर्स्ट क्लास 6 टीमें खेले, क्या उसने ये भी कहा कि जी के अंडर 19 की भी 6 खेले, क्या ये कहा कि अंडर 16 की भी 6 खेले,
क्या ये कहा कि 13 की भी 6 खेले, कोई ऐसी बात, ये खुद ही जो है ना एक्टिव होके, मतलब 19 का बच्चा, 16 का बच्चा को तो ज्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए, आपको तो अपनी क्रिकेट को और ब्रॉडर बेस करना चाहिए, जो कि दुनिया में हो रहा है, दुनिया में टीमें बढ़ा रही हैं, हमारे पाकिस्तान भाई एक मुल्क है जो 18 फर्स्ट क्लास थे, 6 फर्स्ट क्लास टीमों पे आ गए, तो बहुत ज्यादा जो है ना क्रिकेट का नुकसान हो रहा है और प्लेयर्स का नुकसान हो रहा है, फिर फाइनेंशियली प्लेयर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए हमारा जो एक कल्चर था उसमें डिपार्टमेंट्स बड़े अरसे से प्लेयर्स को फीड कर रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, इनको एकदम जो है वो डिपार्टमेंट खत्म नहीं करने चाहिए, इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रीजन्स में या जो भी क्रिकेट एसोसिएशन हैं उसमें पैसा लेके आते, उसके बाद क्रिकेट को जो है ना ये बंद करते, लेकिन इन्होंने फौरी तौर पे जो है ना वो डिपार्टमेंट बैन किए और बहुत ज्यादा क्रिकेटर जो है वो बेरोजगार हो गया और एक फ्रस्ट्रेशन फैल गई। सही है। अच्छा मतलब डिपार्टमेंट की बात हुई, एक तो वो जो आपने कह दिया कि बोर्ड की इस तरह की पॉलिसी है, इससे मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट तबाह हुई है, खराब हुई है, बेहतर नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर जाहिर बात है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, उसने तो एक गाइडलाइन देनी है कि मेरा विजन ये है कि 6 टीमें हो, क्वालिटी बेहतर, 6 टीमें की बात है, क्वालिटी बेहतर हो। अब क्वालिटी के हिसाब से जो नीचे बोर्ड के मेंबरान है उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, अब वो स्ट्रक्चर इतना मतलब बोंडा सा है, नाकाम किस्म का है कि जिसने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। 6 बना के भी मतलब आप तो बहुत बड़े कोच भी रहे हैं, सिलेक्टर भी रहे हैं, तो 6 टीमों की जो सिलेक्शन ये करते हैं, अब 6 टीमें क्वालिटी बेहतर है इनके मुताबिक, बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो रही है, उसके मुताबिक जो पिछले साल के परफॉर्मर थे डोमेस्टिक में इस 6 टीमों की फर्स्ट क्लास में, उनमें से कितने लड़के इंटरनेशनल में गए इस साल, इंग्लैंड का टूर हुआ उसमें कितनी की सिलेक्शन हुई जिन्होंने सारा साल परफॉर्म किया, तो कोई ऐसा है आपके जहन में जिसने वो किया हो? देखे इस साल अव्वल तो देखे कोई कौन से लड़के खेल रहे, कौन से नए लड़के आए, ठीक है, अभी आप T20 टूर्नामेंट खत्म हुआ, ठीक है, उसमें मतलब काफी सारे प्लेयर्स को से मेरा इंटरेक्शन रहता है, मेरे से बातचीत रहती है। इस वक्त पाकिस्तान के जो लड़के खेल रहे हैं, एक तो लड़के जो बाहर हो गए हुए, डिपार्टमेंट बंद हो गए हुए, वो तो रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको तो क्रिकेट तो अब भूल ही गई है, वो तो अब अपना घर कैसे चलाए, वो तो उस फिक्र में पड़ गए। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर अंडर 19 के, अंडर 16 के, जो बगैर खेले ही अपनी एज से निकल जाएंगे। अब ये किसका फायदा किसका नुकसान है ये सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद जो आप खेल रहे जिनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है या जिनके जिनको डेली अनाउंस मैच पीसेस मिल रहे, वो तक परेशान है, वो तक ये पूछ रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा, क्या हम अगले साल भी खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। हाँ कि जी अभी हमें क्रिकेट के साथ कोई और कारोबार भी करना चाहिए। बहुत सारे लड़के मुल्क से बाहर अमेरिका और कनाडा और इस मुल्कों में जाने की सोच रहे हैं। तो ये इसी क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट है, ये क्रिकेट की बेहतरी है। ये देखे ना आपने क्रिकेट फिर क्रिकेटर दोनों को साथ लेके चलना, ये जो क्रिकेटर खेल रहे हैं इनकी वजह से क्रिकेट बोर्ड है, यही जो प्लेयर है यही कमा के देते हैं क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान टीम खेलती है या और टीमें खेलती है यही कमा के देती है। उसके बाद शादी अब जो क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट कहाँ हो रही है, सारी कराची में हो रही है, ग्रेड 2 भी और ग्रेड 3 भी। डिपार्टमेंट क्रिकेट तो खेल नहीं सकते हैं, लेकिन नेशनल बैंक में मैच हो रहा है, नेशनल बैंक की ग्राउंड पे, फिर UBL की ग्राउंड पे मैच हो रहा है, स्टेट बैंक की ग्राउंड पे मैच हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किधर है? सही है, क्रिकेट तो सारे डिपार्टमेंटल की ग्राउंडों पे हो रही है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2 साल में क्या किया है? सही है। क्या कोई ग्राउंड डेवलप किए हैं? क्या कोई क्रिकेट को जो है ना बेहतरी की है? देखो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। टीमें कम कर दी, ये कर दिया, स्लाइडें चला दी, स्टैट्स बता दिए। PCB का क्लेम ये है कि हमने क्रिकेट की क्वालिटी बहुत बेहतर कर दी है, अब हमारे प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास में PIA की उसमें जाते हैं, तो इससे कोई फायदा होता है उनको? वो कहते हैं जी हमने ये देखो कितना बेहतर कर दिया, हमने ये विनिंग प्राइस बढ़ा दिए, ये उनका क्लेम है, तो इससे कितना फायदा हुआ है लोगों को?
या नुकसान गए, एक तरफ तो उनकी अपनी तनख्वाहें जो है बहुत ही ज्यादा है और प्लेयर को जो मिलता है साल का वो तो पिछले डिपार्टमेंट मिला के तो उससे तो बहुत ही नीचे चले गए प्लेयर, इसलिए निकाल गए। तो मतलब इस फर्स्ट क्लास में एक दफा साल में ट्रेवल करने से कोई फर्क पड़ता है क्रिकेट में? देखिए पहले भी बाय ट्रेवलिंग की कराची की, अब भी बाय ट्रेवलिंग, पहले घर के ठहरते थे मेहरान होटल में, अब ये ठहरते हैं पीसी में। पीसी में फर्क कहाँ पे है? पहले 18 टीमें थी, अब 6 टीमें, पैसा वही है, पैसा वही है जो 18 टीमों पे खर्च होता था, अब 6 टीमों पे खर्च हो गया तो यू कैन अफोर्ड पीसी। बोर्ड का क्या कमाल है, क्रिकेट में इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ पड़ना है? फर्क क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। अब कल नॉर्दर्न का मैच नेशनल बैंक ग्राउंड पे हो रहा है, सेंट्रल पंजाब की टीम 150 पे आउट हो गई है, ठीक है, 9 प्लेयर जो स्पिनरों ने आउट किए, क्वालिटी किधर है? ये मुझे बताएं कि क्रिकेट की क्या क्वालिटी है? क्रिकेट की क्वालिटी कोई सेंचुरियां स्कोर हो रही है, कोई आपके फास्ट बॉलर डेवलप हो रहे हैं। फिर देखें सबसे जो बिगेस्ट जो है ना इस सीजन की जो है मैं कह रहा हूं कि ब्लंडर है कि एक ही शहर में नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, प्लेयर कैसे बनेगा, प्लेयर की क्वालिटी कैसी आएगी? देखिए पहले अगर पिंडी मैच खेल रहा है एक लड़का, फिर वहां से ट्रेवल करता है लाहौर खेलता है, फिर मुल्तान खेलता है, फिर कराची खेलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस के ऊपर खेलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना उसके ऊपर खेलेगा, तो प्लेयर अच्छी डेवलप हो जाएगी, उसकी प्लेयर की डेवलपमेंट हो रही है, वो प्लेयर क्वालिटी प्लेयर तैयार होगा। अब एक ही कराची के ऊपर ही फिरी जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो वो ग्रेड टू की जो क्रिकेट है, ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, पता नहीं असगर मेमोरियल क्रिकेट ग्राउंड मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुना, वहां पे 150 पे टीम आउट, 130 पे टीम आउट, एक स्पिनर 10 आउट कर गया, एक 12 आउट, जिसको कह रहे हैं कि टॉप, ये भी टॉप की क्रिकेट है, उसमें आप ये हालत देख लें, तो ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट का कोई जो है ना आपस में कोई मेल जोल नहीं है। ये गलत एक वर्ड इन्होंने पकड़ लिया हुआ कि जी क्वांटिटी नहीं करानी है, क्वालिटी करानी है। हालांकि क्वांटिटी जो है ना क्रिकेट क्रिकेट को फैलाना चाहिए। इंडिया अपनी 29 से 39 टीमें पे ले गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जिसका ये रोल मॉडल है वो अपनी 6 से 8 टीमें बिग बैश में खेलती है, और साउथ अफ्रीका जो अपने प्रोविंशियल से रीजनल बेस पे आ गया, 6 से 12 टीमों पे आ गए, तो हम किधर खड़े हैं? हम कौन सी क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं, हम कौन सी क्रिकेट को डेवलप कर रहे हैं, और क्या क्वालिटी क्रिकेट हो रही है? मेरी समझ से बाहर है। क्या अमरीद के में मैच हो रहे हैं अंडर 19? ये हमारी बेस सप्लाई लाइन है अंडर 19, तो किधर मैचेस हो रहे हैं? एलसीसी ग्राउंड पे। यार क्यों नहीं, मतलब मेरे मैं तो हमेशा यही बोर्ड को लिख के देख के फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टेडियम में होनी चाहिए, अंडर 19 क्रिकेट स्टेडियम जितने पाकिस्तान के स्टेडियम में होनी चाहिए, तब क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स आएंगे ऊपर। अच्छा ये देखिए ना, ये भी बात है कि अमरीके में हो रही है या असर मेमोरियल क्लब ग्राउंड में क्रिकेट हो रही है, तो स्टेडियम सारे खाली पड़े हैं। एक पिंडी स्टेडियम है जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस हो रहे हैं, बाकी तो सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं, तो क्यों उसमें नहीं कराते? देखिए क्या वजह हो सकती है, वजह यही जो COVID-19 एक बहाना है कि जी एक ही जगह बबल में रखना है। मैं मानता हूँ जी बबल में रखना है, तो शायद 4 मैचेस के लिए बबल कराची में रख लें, अगले 4 मैचेस के लिए बबल लाहौर में रख लें। यार आपको एनवायरमेंट तो डिफरेंट दे ना, आपने पैसा प्लेयरों पे लगाना है, पैसा बचाना नहीं है। आप इतनी हैवी तनख्वाहों पे जो प्लेयर रखे लोगों को दे रहे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इतना एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा लिया हुआ है, तो प्लेयर की जब डेवलपमेंट का काम आता है, जब आपकी डोमेस्टिक आता है, उसमें आप कहते हैं जी के अब वहां पे वी कांट अफोर्ड। अब 12 टीमें कराची में, 6 ग्रेड 2 की और 6 उसकी फर्स्ट क्लास की, तो वो क्या आगे पीछे नहीं हो सकती थी क्रिकेट? यहाँ से भी लोग पूरे पाकिस्तान से लड़के भी तो आए हैं, रवि है जो जी बबल है, अब वो एक ही बबल उसमें एनवायरमेंट में रह रहे हैं। बबल एनवायरमेंट आप अगर कोई थोड़ा सा दिमाग यूज करता तो एक बबल एनवायरमेंट आप उधर जो है ना क्रिएट करते, इस्लामाबाद पिंडी आ जाते हैं, फिर वो आपको जो है ना, नहीं मैं कहता हूँ डिफरेंट शहरों में डिफरेंट एनवायरमेंट में क्रिकेट मिले तभी प्लेयर बनता है। सही। अच्छा ये यही से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये 2 साल हो गए ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जिस तरह आपने बात की,
तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत कम मैचेस हुए, पिछले साल फर्स्ट क्लास के कुछ मैचेस केरल में हुए। इस्लामाबाद की बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, ठंडा गर्म मौसम होता है, पिचेस बड़ी जबरदस्त होती है क्योंकि मौसम की वजह से, वरना तो कराची में भी क्रिकेटर तो होते हैं लेकिन यहाँ पर ये मौसम की वजह से उस पिचेस बहुत जबरदस्त बन जाती है, खासतौर पर ये ठंडे मौसम। तो यहाँ पर मैच पीसीबी ने दी रखी जबकि पहले बहुत ज्यादा मैचेस होते थे। देखें यही एक्चुअली क्रिटिकल ऑप्टिमाइजेशन है, यही एक देखें किसी भी शख्स को अगर आपने को नुकसान पहुंचाना है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे। सही, आप इतनी बुरी ग्राउंडों पर जो मैच खेल रहे हैं, इस्लामाबाद की चार पांच टॉप की ग्राउंडें खाली पड़ी हुई, अगर ग्राउंडों की किसी की जाति मन किए तो नहीं, नहीं। तो आप क्रिकेट को तो नुकसान मत पहुंचाएं, वहां पे जो भी आप फीस देंगे उस ग्राउंड के अकाउंट में जाएगी, किसी के जाति अकाउंट में तो नहीं जाएगी, किसी को जाति फायदा तो नहीं पहुंच रहा। तो क्यों नुकसान आप कर रहे हैं? देखे ना फिर इस वक्त कराची का मौसम और पिंडी इस्लामाबाद का मौसम डिफरेंस कितना है, फिर पिचेस का कितना डिफरेंट है, फिर ड्रेसिंग रूम, फिर कवर्स। अब वो जो मैं बता रहा हूँ ग्रेड टू के मैच हो रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है वहां पे, खाने पीने की जगह नहीं है और वहां पे कोई कवरिंग की इतना वो नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर छह टीमें करने के बाद भी अगर हम क्वालिटी लड़कों को क्वालिटी होटल पीसी में ठहरने से नहीं है, क्वालिटी जो है ना वो बाहर जाने से नहीं है, क्वालिटी अब क्रिकेट है, आपका बैटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आपकी पिचेस कैसी है, वहां पे जो है ड्रेसिंग रूम कैसा है, वहां पे कितने अच्छे हैं, कोई कितने अच्छे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि ये क्रिकेट की कोई बेहतरी हो रही है। देखिए बहुत सारे बच्चों जिनको मैं जानता हूँ, मतलब मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की, बहुत सारे जो टैलेंटेड लड़के थे मैं उनको ढूंढ रहा हूँ किधर गए, भाई वो साल हो गए क्रिकेट छोड़ गया फलाना, उसने क्रिकेट छोड़ दी। अब अगर मैंने कुछ दोबारा शुरू करो तो मैं क्या कहूंगा, किस बेस पे शुरू करें? देखे लड़कों के लिए होप ही खत्म हो गई, उम्मीद खत्म हो गई। पहले उनको पता था कि खेलेंगे नहीं तो हमें कोई ना, हम अगर थोड़ा सा अच्छे होंगे किसी बैंक में जॉब मिल जाएगी, हमारा फ्यूचर एक बन जाएगा। सही। पाकिस्तान तो किस्मत वाला लड़का खेलता है ना, पाकिस्तान खेलेंगे तो टोटली डिफरेंट। सही। लेकिन कोई ऐसा वो जो है ना, उनके पास कोई ऐसी जगह ही नहीं है, कोई ऐसा टीयर ही नहीं है, कोई ऐसा लेवल ही नहीं है कि जहाँ पे वो खेले वो किसी लेवल पे जाए। सही। अच्छा मतलब ये है कि एक को आप समराइज अगर करें आपकी इस बात को कि इस वक्त क्रिकेट को दुबई की तरफ फेंक दिया गया है पीसीबी ने, लड़कों की ओपी खत्म हो गई है, अब इससे रिलेटेड एक सवाल है कि आप समझते हैं कि ये बच्चों की होप तभी आ सकती है कि उनके सामने कोई डिपार्टमेंट हो, कोई इस तरह का एनवायरमेंट हो कि हमें यहाँ खेल के पाकिस्तान ना भी खेले, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट आनी चाहिए, अब 33-34 डिपार्टमेंट खेलते थे, ठीक है जॉब थी, लड़कों को कुछ ना कुछ मिल रहा था। देखिये मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काफी बर्डन जो है ना वो कम किया हुआ था। सही है। तो वो एकदम से खत्म हो गया। फिर आप देखें कि कितने जो मतलब नीचे लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं है लड़कों के लिए, वो भी चले खेल लें। फिर वेयर इज क्लब क्रिकेट, वेयर इज लोकल टूर्नामेंट्स, वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। क्लब क्रिकेट की तरफ मैं आऊंगा, मेरा एक सवाल है अभी इससे छोटा सा और एक सवाल निकलता है, चूंकि आप कोच रहे बहुत अरसे तक, अच्छा कोच एजुकेशन को बिल्कुल ही पाकिस्तान से ये नए स्ट्रक्चर ने और नए इस पीसीबी के सेटअप ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, अब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन कोच लगेगा, फर्स्ट क्लास का कौन लगेगा, ग्रेड टू का कौन लगेगा, किसी और जगह कोचिंग की जरूरत है कौन लगेगा, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। क्या ये भी दुरुस्त काम है जो कोचेज एजुकेशन 12-15 साल रही जिसमें बहुत सारे कोच डेवलप हुए, अच्छा वो तो चलो बेरोजगार हो गए, तो उस सारे जो खर्चा किया पीसीबी ने खर्चा किया ना, मतलब ये किसी ने किसी चेयरमैन ने जेब से तो नहीं किया, तो वो सारा जाया हो गया। अब फिर ये इन्होंने ये चीज खत्म करके टेस्ट प्लेयर लगा दिए, किसी को मर्जी से अपनी मर्जी से क्रोनी लगाए अपने, तो फिर इस तरफ जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नदीम खान साहब है उनका मैं कई क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे हम इसको दोबारा शुरू करने लगे हैं कोचिंग एजुकेशन को, तो ये बंद करने का फिर क्या फायदा हुआ और इससे आप क्या फायदा हुआ, अपनी मर्जी के लोगों को एजुकेट करेंगे तो इसमें लाएंगे इस महाने। देखिए अब शादी ये तो मतलब है कि ना समझ आने वाली बात है,
दुनिया कोच एजुकेशन को बढ़ा रही है, एडवांस कर रही है, अब कोच एजुकेशन में रिसर्च बेस्ड चीजें बनना शुरू हो गई हैं, तो हम वापस 1970 की दिहाई में चलेंगे। हाँ जी, आप टेस्ट प्लेयर हो, अब एक बड़े अरसा तक ये डिबेट रही है, 120 टेस्ट मैच खेला हुआ है, उसको कोर्स की क्या जरूरत है? ठीक है, उसमें मैंने हमेशा यही जवाब दिया कि अगर कोच एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अगर क्वालिफाइड कोच की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या मियादार का बेटा मियादार बन गया? क्या जो है ना अब्दुल कादर साहब का बेटा अब्दुल कादर के लेवल का क्रिकेटर बन गया? मतलब बेशमिलू का नेम है, जितने स्टार हैं, क्या उनके बच्चे? तो इसका मतलब क्या है कि कोच एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि आपको वे ऑफ कोचिंग पता चलता है, वे ऑफ टीचिंग पता चलता है कि किस तरह, देखे ना आप बहुत सारे क्रिकेटर्स टॉप के क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो अपना नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकते। सही है। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, अगर कोई क्वालिफाइड हो जाए और वो एक्स प्लेयर हो, तो ये सोने में सोना, ये जबरदस्त हो जाता है, लेकिन वो 2-3% और हमारे जो पाकिस्तान दुनिया वाले देखे ना, अभी जितने जस्टिन लैंगर है, एक सिस्टम से आया, सही है, ठीक है, पहले नीचे लेवल की कोचिंग की कोर्सेज किए, उसने भी कहा जी मैं 100 टेस्ट मैच खेला हूँ, वो पूरे एक प्रोसेस से आया। इसी तरह बेशुमार आप क्रिकेटर्स आप उठा के देख लें कि जो किसी ना किसी प्रोसेस के ऊपर जो है ना वो आए, तो ठीक है, और जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जरूर जो है ना कोचिंग में आए, इंटरनेशनल प्लेयर आए, लेकिन कोर्स करें, कोर्स करेंगे उनका विजन और ब्रॉड हो जाएगा, वो फिर एसेट बनेंगे पाकिस्तान। सही। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं हम, सवाल बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे मौजूदात हैं जो रहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उनसे सवाल किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कड़क चाय जादू ऐसा, हर कप में सर चढ़कर बोले, रंग खुशबू जायके से भरपूर बहुत, इस्लामाबाद चाय है मशहूर बहुत, इस्लामाबाद चाय रखे शौक का भरम। अब सब कुछ मिलेगा आपके डोरस्टेप पर सिर्फ वन क्लिक के साथ, क्योंकि बाय एंजॉय दे रहा है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, वो भी आपके डोरस्टेप तक, तो फिर देर किस बात की, अभी टाइप कीजिए buyengoy.pk और अपनी मनपसंद की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। बाय एंजॉय, सब कुछ मिलेगा ऑनलाइन। यू आर वॉचिंग प्राइम स्पोर्ट्स न्यूज चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर आवर ऑल सोशल मीडिया पेजेस एंड चैनल्स। थैंक यू।